नौकरी की बहाली को लेकर पीटीआई शिक्षकों का धरना। शनिवार को बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के आवास का घेराव करेंगे। 1 अक्टूबर को सीएम से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। पीटीआई शिक्षकों को सीएम से न्याय मिलने की उम्मीद है। सिरसा से ये बड़ी खबर पहुंचा रहे, नौकरी की बहाली को लेकर पीटीआई शिक्षकों का धरना यहां पर चल रहा है। शनिवार को बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के आवास का करेंगे घेराव। 1 अक्टूबर को सीएम से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। पीटीआई शिक्षकों को सीएम से न्याय मिलने की उम्मीद, बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं सिरसा से। नौकरी की बहाली को लेकर पीटीआई शिक्षकों का धरना। शनिवार को बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के आवास का घेराव करेंगे पीटीआई शिक्षक। इन्होंने 1 अक्टूबर को सीएम से प्रतिनिधिमंडल के मुलाकात की बात भी कही। हमारे संवाददाता अमित तिवाड़ी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, विस्तार से बताएं पीटीआई शिक्षकों की आगे की रणनीति। बिल्कुल, लगातार पीटीआई टीचर्स का जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो लगातार जारी है। 96 डेज से आंदोलन चल रहा है और अब उन्होंने यही कहा है कि अब जो आगे कल का जो उन्होंने रखा प्लान की जो बिजली मंत्री हैं हरियाणा के रणजीत सिंह चौटाला, उनके घर का घेराव करेंगे। तो ऐसे में उनका आंदोलन लगातार जारी है और लगातार वे कैबिनेट मंत्रियों के घरों का घेराव कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी तरह से उनकी मांग है कि उनकी बहाली जो है वो तुरंत की जाए। जी बिल्कुल, एक उम्मीद इन्होंने जताई है सीएम से मुलाकात करके, जो ये प्रतिनिधिमंडल मिलने की बात करे 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर को इनको उम्मीद है कि सीएम से मुलाकात करके इनकी बात बनेगी। पहले तो आप ये बताएं, 1 अक्टूबर को सीएम की तरफ से बुलावा है इनके प्रतिनिधिमंडल को क्या, या ये खुद मिलना चाह रहे हैं, मौका देख रहे हैं? और दूसरी बात कि कोई भरोसा दिया गया है क्या सरकार की तरफ से इनको, इनकी इस उम्मीद के पीछे आधार क्या? जैसा कि प्रतिनिधियों का कहना है अमेरिका कि सरकार से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और निश्चित रूप से सकारात्मक है वो इस मुलाकात को लेकर। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि सरकार ने इन्हें बुलाया है या फिर ये इन्होंने अपनी जाहिर की है या इन्होंने अपने खुद ब खुद अपनी तारीख का ऐलान कर दिया, तो ऐसे अभी इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल इनका ये दावा है कि वे मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपनी तमाम बातें जो उनके सामने रखेंगे और सकारात्मक उनकी उनको उम्मीद है कार्रवाई के लिए। जी बहुत शुक्रिया अमित, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहे, एक और खबर पर विस्तृत जानकारी लेनी है अभी आपसे। एक और बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक, देखिए सिरसा से ही बड़ी खबर जिसके लिए अमित तिवाड़ी को रोका। किसानों का धरना 12वें दिन भी जारी है, यहाँ पर विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग। मांग है कि विशेष गिरदावरी करवाए सरकार। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ यहाँ जमकर नारेबाजी हुई है। डिप्टी सीएम से की इस्तीफे की मांग, गुस्सा लेवल आप देखिए कि ये किसान कितने नाराज हैं। हरसिमरत कौर की तरह इस्तीफा देने की मांग की है, कहा है डिप्टी सीएम इस्तीफा दें, इस्तीफा नहीं दिया तो गांव गांव में होगा उनका विरोध। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं सिरसा से, किसानों का धरना 12वें दिन भी जारी है। विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग। विशेष गिरदावरी के साथ साथ इन्होंने केंद्र सरकार की कृषि अध्यादेशों का भी जिक्र किया, उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डिप्टी सीएम से की इस्तीफे की मांग, हरसिमरत कौर की तरह इस्तीफा देने की मांग की। यहां तक कहा कि इस्तीफा नहीं दिया तो गांव गांव में उनका विरोध होगा। बड़ी खबर सिरसा से, किसानों का धरना 12वें दिन भी जारी।